सोलन में नगर निगम के मुद्दे को लेकर 8 पंचायतों ने विरोध प्रकट करते हुए किसान संघर्ष समिति का गठन किया है। इस किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में भाजपा के पदाधिकारी और प्रधान भी शामिल थे। इस समिति का अध्यक्ष भी भाजपा का ही पूर्व प्रधान है। जब इस बात की खबर हाईकमान को लगी तो उन्होंने इस पर स्थानीय नेताओं को जमकर फटकार लगाई, जिस पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने अपनी साख बचाने के लिए 5 प्रधानों को साथ लेकर सोलन में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सोलन को केवल ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसको लेकर वे बेहद शर्मिंदा हैं। भाजपा नेता राजेश कश्यप और पंचायत के प्रधानों ने इस मौके पर कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे गाँव की 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे, वे मुख्यमंत्री की बात पर पूरा विश्वास रखते हैं, इसलिए वे केवल उपायुक्त सोलन के पास ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन जब ज्ञापन सौंप रहे थे तो कुछ मौकाप्रस्त लोगों ने उपस्थित लोगों की भावनाओं को भड़काकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस मौके पर अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति को भी संघर्ष नहीं करेगी, वह प्रदेश सरकार के वायदे पर पूरा विश्वास रखेगी। राजेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन करता है और नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। जनता पार्टी के जितने प्रधान हैं उनको आज बुलाया था और उनसे बात की है कि संघर्ष समिति के माध्यम से जो है लोगों में जो दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ जा रहा है उसको रोका जाए, और इस तरह का जो लोगों में कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण अगर चला गया गांव में तो वो हम सभी गांव वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। कल की रैली में अगर कोई भाजपा नेता संबंधित था तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी पार्टी की ओर से? हाँ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नारे लगाते हुए दिखा कल की पार्टी में, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा, उस पर जो है वो मंडल जो है पूरा कार्रवाई करेगी, वो हमने सभी लोगों को बता दिया है। सरकार के समर्थन में है, जितने भी हमारे प्रधान हैं सभी समर्थन में है, हमारे पूर्व प्रधान अभी आज के जो अभी एट प्रेजेंट जो प्रधान है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो भी संघर्ष समिति ने कल किया वो बहुत ही निंदनीय है। ग्रामीण इलाके से आता हूँ, जो कल हमने चलो पहले मीटिंग हो गई थी 7 तारीख को, हमने DC साहब के पास जाना है तो हमने यही वादा किया था अभी ग्रामीण आएंगे पर डिस्टेंसिंग में रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम DC साहब के पास चले गए, उनके रूम में चले गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई, क्योंकि शनिवार को ही हम CM से मिले थे और उन्होंने हमारे को बोला कि भाई ठीक है आपका ग्रामीण इलाका नहीं लेंगे और जो शहरीकरण है या जो शहर के 15 वार्ड है उसी में ही नगर निगम बनेगा। हाँ, अगर कई पॉलिटिकल या जो भी कोई है उन्होंने नारे लगाए उसके खिलाफ है जी। जाने का मकसद क्या था कल वहाँ? हमारा ये था भी चलो सरकार को चताया जाए भी 8 में से 5 या 6 जो है वो प्रधान BJP के हैं, इस गांव को मत लिया जाए। देखो जी, हम DC साहब से मिलने के लिए थे जब धरना हुआ, उस वक्त हम शामिल नहीं थे, जब इन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, मैं संघर्ष समिति का प्रधान था, ना तो पूछा मैंने इनको, बोला भी नारियाँ लगाओ, जब बातचीत चली हुई, जिस दिन बातचीत नहीं होगी उसके बाद हम संघर्ष करेंगे, अभी हमारा काम सरकार से लड़ना है जी, जब सरकार हमारी बात को सुन रही है तब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। अगर सर अपनी मर्जी से नारेबाजी, हाँ जी अपनी मर्जी से नारेबाजी, जब सरकार से हमारी बातचीत नहीं हो, DC साहब ने हमारी बात सुनी है, मंत्री बात सुने, अध्यक्ष हमारी बात सुन रहे हैं, CM साहब ने हमारी बात सुनी है जी। ये संघर्ष समिति संघर्ष तब करेगी अगर सरकार हमारी किसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जब सरकार हमारी बात सुनी है, संघर्ष किस बात का जी। यहाँ आपका धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। ये जो 8 पंचायतों को नगर निगम में लेने की बात हुई थी, थोड़ा सा प्रशासन की ओर से जो थोड़ी गलती चूक हुई है, जिस तरह से नोटिफिकेशन हुई और जैसे 8 पंचायतों को इन्होंने नोटिफाइड कर दिया तो लोगों में नेचुरली एक रोष था,
परंतु जब हम अपने मुख्यमंत्री से मिले, डीसी साहब से मिले, मंत्री जी से मिले, अपने सांसद जी से मिले, हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि बिना आपके सुझाव के और जनता के सुझाव के बिना हम नगर निगम नहीं बनाएंगे। जब ये बात हुई शिमला में हुई तो हम इस संघर्ष समिति जो बनी थी हम भी उनके साथ थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में आए। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, उसके बाद हमने इनको भी बोला कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कृपया आप संघर्ष ना करें, आप नारेबाजी ना करें, कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम में इस प्रकार का कोई इतना बड़ा एजिटेशन ना करें। तो इन्होंने अचानक शाम को किस तरह से लोगों को बुलाया हमें नहीं मालूम। जब पता चला नेचुरली लोग हताश थे गाँव, उन्हें लगा टैक्स लगेगा, हमारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी, लोगों को इस प्रकार गुमराह करके ये लाए। उसके बाद हम कल सब लोगों से मिले, हम उन्होंने आश्वासन दिया ना तो आपकी ज़मीन जाएगी, ना आप निगम में जाएंगे, ना आपकी जो सुविधाएं वो ख़त्म होंगी। अब लोग इस बात को मान गए हैं और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने मुख्य एज ए पार्टी कार्यकर्ता नाते होने के कारण कि हम लोग सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ हैं और शहर के साथ भी है। हम लड़ाई नहीं चाहते ग्रामीण शहर, हम दोनों का रिश्ता पेट और पीठ का रिश्ता है, हम एक रहना चाहते हैं। बिना गांव के शहर नहीं चलता, शहर के बिना गांव नहीं चलता। और हम यही है कि हमारे जो हमारी कृषि भूमि है वो बिल्कुल भी निगम में नहीं आएगी। अगर इनको निगम वालों को कोई क्षेत्र में विकास करना होगा, स्टेडियम बनाना होगा, हॉस्पिटल बनाना होगा, उसके लिए पंचायतें पहले भी एनओसी देती आई है, अब भी एनओसी देंगी।